दौलतपुरा थाना पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों की अनदेखी एवं मिलीभगत के चलते दौलतपुरा थाना इलाके के अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित दौलतपुरा थाने के पास सफेदा फार्म हाउस के पास स्थापित शराब ठेकेदारों द्वारा खुलेआम देर रात तक शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, ये लोग शराब ठेके के पीछे शराब भी बना रहे हैं। यहाँ खुलेआम दिन रात शराब बनाकर लोग को पिलाते हैं और नजर आते हैं। आपको बता दें कि दुकानदारों को 8 बजे बाद शराब बेचने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वे निर्धारित समय के बाद शराब के दाम से भी ज्यादा वसूलते हैं। दोनों महकमों के अधिकारियों पर मिलीभगत का सीधा आरोप स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास ऐसी तस्वीरें व वीडियो हैं जिसमें उनके कांडा में कैद हैं। दिसंबर माह 2022 में मुख्यमंत्री गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में बैठक लेकर अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश दिए थे कि रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। अगर 8 बजे के बाद शराब बिकती है तो संबंधित थाना का थानेदार और जिले का ASP होगा जिम्मेदार। जिला प्रशासनिक ASP इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। इतना ही नहीं, अगर पुलिस और ठेकेदार शराब की मिलीभगत पाए जाते हैं तो पुलिसकर्मी के खिलाफ बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां स्थिति उल्टी है। यहां पुलिस और आबकारी विभाग रात को शराब बेचने वालों को शह दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश अनुसार राजस्थान में रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों शराब की बिक्री करना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद रात 8 बजे के बाद भी शराब की दुकानों पर बेखौफ होकर शराब की बिक्री की जा रही है। वहीं शराब ठेकों पर रात 8 बजे के बाद कहीं शटर के नीचे तो कहीं दुकानों के दाएं बाएं तरफ से निकाले गए झरोके से खुलेआम शराब की बिक्री बदस्तूर हो जा रही है। वहीं देर रात तक अवैध रूप शराब बिक्री का सिलसिला बिना किसी रोक टोक के जारी है। वहीं दौलतपुरा थाने इलाके में अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित बिलोची दौलतपुरा हाईवे स्थित सफेदा फार्म हाउस में पास टोडी मोड 14 नंबर रोल नंबर 17 विश्वकर्मा आदि जगहों पर 8 बजे बाद भी बेखौफ होकर शराब बिक्री की जा रही है। शराब ठेकेदारों को ना तो पुलिस का कोई डर सताता है और ना ही आबकारी विभाग की कोई भी चिंता है। इतना ही नहीं, आवाजाही वाली मुख्य सड़कों पर स्थित शराब की दुकानदारों पर देर रात तक बिना किसी रोक टोक के प्रिंट रेट से ज्यादा दाम वसूल कर शराब बेची जा रही है। दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री ने रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री होने पर चिंता जताते हुए सख्त आदेश देते हुए इसे रोकने के आदेश दिए थे, जिसका कुछ दिन तक तो असर दिखने को मिला और रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर लगाम कसी हुई। वहीं जिम्मेदारी की लापरवाही के चलते शराब ठेकेदारों ने फिर से पुरानी राह पकड़ ली और रात 8 बजे के बाद शराब बेचने के लिए अपनी वैध अवैध शराबों को दुकानों के अलगल बगल से फिर से झरोके से बचाकर चोर रास्ते से निकाले गए, तो वहीं दुकान का शटर उठाकर ही शराब बेची जा रही है। भाई साहब एक किंग फिशर बियर स्कैनर बार रहा है, ये पकड़ दिया। एक किंग फिशर बियर कितना? किंग फिशर बियर 150 170 जग रहा। लो भाई साहब 20 रुपये खुला ले लो, 150 रुपये कर दिया, कर रहे हैं 150 रुपये 20 खुला ले लो। भाई जी 150 रुपये आएगा, एक किंग बिशर बियर दे दो, खुलो कितनी देर हो रखा थोड़ी देर, कितनी देर ले इसका भाई साहब, और कितनी देर तक और खुलो रख सो
गंदे ने दो गिलास दे दे डिस्पोजल दे दे यार दो अब कह सकता है कम होगी दी सकता है कम कर दी दी अब कह लाइट रहेगा उस ब्रज गोपाल विहरे ना सिगरेट पकड़ तो